हे गाइस, कैसे हो आप सभी। चलिए बात करते हैं, आज डांसिंग लवर के लिए बहुत मस्त वीडियो होने वाली है। जो लोग अपना करियर डांसिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं और जो वास्तव में जाना चाहते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, तो उनके लिए ये वीडियो है। मैं आपको वो सभी अपडेट्स दूंगा जो आज आपको इंडियन टेलीविजन स्क्रीन पे काफ़ी पॉपुलर डांसिंग शोज देखने को मिलते हैं, चाहे वो सुपर डांसर चैप्टर 5 हो या फिर डांस प्लस 7 हो या फिर DID सीजन 5 हो। ये सभी जो अपडेट्स हैं, इनकी डेट क्या है, कब ये आने वाले हैं और कब आप इनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 के बारे में। और ये शो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी जाना माना शो है। इसके दो सीज़न बहुत यूज़फुल रहे, बहुत ज़्यादा TRP इन्होंने कमाई। और यही शो आपको पिछली बार की बात करें यानी सीज़न 2 की बात करें तो सीज़न 2 में ये 16 अक्टूबर को आपको देखने को मिला और इस बार ये सीज़न 3 के साथ आएगा और सीज़न 3 आपको फिर से 16 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। बट बात यहाँ पे आती है कि आपको तो रजिस्ट्रेशन करना है, यानी आप तो इस शो के अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए 16 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएंगे क्योंकि 16 अक्टूबर को ये शो पिछले साल आ गया था। तो हो सकता है कि इस शो के रजिस्ट्रेशन आपको 15 सितंबर या फिर सितंबर की मिड में देखने को मिल सके। तो ये हो गया इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 का अपडेट। आगे चलिए बात करते हैं डांस दीवाने सीजन 4 के लिए। जी हाँ दोस्तों, डांस दीवाने सीजन 4 आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। इसकी अपडेट कभी भी आ सकती है, मे भी हो सकता है आपको इस हफ्ते के अंदर देखने को मिल सके, मे भी हो सकता है आपको नेक्स्ट हफ्ते या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकती है इसकी अपडेट। और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। और डांस दीवाने सीजन 4 का जो रजिस्ट्रेशन है, कैसे करना है, वो मैं आपको प्रॉपर वे में बताने की कोशिश करूंगा। अगर पिछले साल की बात करें यानी सीजन 3 की बात करें तो ये शो 27 फरवरी को इंडियन टेलीविजन स्क्रीन पे आ गया था। तो इसका मतलब यही है कि आप आइडिया लगा लीजिए कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है जनवरी में स्टार्ट हो जाने चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं 25 जनवरी से स्टार्ट हो सकते हैं या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ भी इसका अभी आइडिया नहीं है, बट हाँ जल्दी आपको इसके भी रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं DID लिटिल मास्टर सीजन 5 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, DID लिटिल मास्टर से बात करते हैं डांस प्लस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, डांस प्लस सीजन 7 कब आने वाला है, कब हम इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और कब अपनी जगह बना सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बता दूं सीजन 7 आपको सितंबर में देखने को मिल सकता है। और सितंबर में अगर आपको देखने को मिलेगा यानी टेलीविजन स्क्रीन पे आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, तो सिंपल सी बात है अगस्त में आपको इसके रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेंगे। तो अगस्त में ये शो के रजिस्ट्रेशन जो लोग डांस प्लस सीजन 7 में जाना चाहते हैं उनको अगस्त तक का वेट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद कोई भी अपडेट आएगी किसी भी तरह की, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग, कैसे वीडियो बनानी है, कहां पर लिंक मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको प्रॉपर वे में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमारा चैनल इसीलिए जाना जाता है, हम सिंगिंग, डांसिंग, ऑडिशंस, रियलिटी शो, टेलीविजन स्क्रीन, एडवर्टाइजमेंट, हर तरह के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके और हमें थोड़ी बहुत खुशी मिल सके कि भाई चलो हमारी वजह से कुछ लोगों का ऑडिशन और रजिस्ट्रेशन हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं सबसे मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यूनिक, मोस्ट टैलेंटेड शो सुपर डांसर चैप्टर 5। जी हाँ दोस्तों, सुपर डांसर चैप्टर 5 के बारे में बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई इसके रजिस्ट्रेशन कब है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया। और सुपर डांसर चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूँ तो गाइज ये शो के जो रजिस्ट्रेशन है आपको फरवरी में देखने को मिल सकते हैं। देखो जितनी भी अपडेट्स हैं ये अनऑफिशियली हैं, मेरा जो इतने साल का एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर करता हूँ, अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है। दूसरा आपको याद रखना है, कोई भी आपको लिंक देता है या किसी भी तरह से आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आपको बिल्कुल साफ साफ मना कर देना, वो फेक और फ्रॉड होते हैं। जो भी लिंक होते हैं ऑफिशियली या तो इनके ट्विटर हैंडल पे आपको मिलेंगे या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेंगे या फिर आपको इनकी ऐप के ऊपर यानी कि
सोनी लिव ऐप हो गई और वूट एप्लीकेशन हो गई, इस तरह की जो ऐप्स हैं मैं आपको बताऊंगा किन किन ऐप्स पे कौन कौन से शोज मिलते हैं, तो ये उन्हीं जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले हैं। और गाइस हमारे इस चैनल पे भी आपको जब ही लिंक मिलेंगे जब कोई ऑफिशियली लिंक रिलीज होगा, ऐसे ही नहीं कोई भी लिंक आपको हम दे सकते हैं। तो इस चीज़ को मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं लिंक दीजिए, तो लिंक अगर जर्नेट ही नहीं हुआ, अगर किसी भी सीजन का लिंक आया नहीं है, किसी भी शो का लिंक आया नहीं, तो अपनी मर्जी से हम किसी भी तरह का लिंक आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। हालांकि इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, आई होप आपको पसंद आई होगी। और इस तरह के डांसिंग शो के लिए आप अपडेट रहना चाहते हैं, अपना ऑडिशन देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। बाकी जो लोग डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर सीजन 5 के अंदर जाना चाहते हैं वो हमारी ऊपर वाली वीडियो जरूर देखिए, और जो लोग सिंगिंग कॉम्पिटिशन यानी सुपर स्टार सिंगर के अंदर जाना चाहते हैं हमारी नीचे वाली वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नए शो के साथ, किसी नए ऑडिशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।